प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले वो गांधीनगर में वावॉल में शालीन टू सोसाइटी के बंगला नगर तिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बात की। इसके बाद गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन किया। समिट के उद्घाटन के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार इसी सरकार को थर्ड टर्म का मौका दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज भारत के युवाओं महिलाओं को भरोसा है कि उनकी परिस्थितियों को 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस टर्म में नई उड़ान भरने वाले हैं। उन्हें भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उनके गरिमापूर्ण जीवन का कारण बनेगा। 140 करोड़ भारतीय टॉप को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। देश के गरीब दलित पीड़ित शोषित वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान